नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एक ऐसी टेरियल फाइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप उस टेरियल फाइल को हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपलोड कर लेते हैं तो हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, एम्प्टी लेजर्स और एम्प्टी स्टॉक आइटम्स। एम्प्टी लेजर्स यानी कि ऐसे लेजर जो हमने टेली सॉफ्टवेयर में क्रिएट तो कर लिए लेकिन उसमें अभी तक हमने किसी भी टाइप की कोई भी ट्रांजेक्शन पास नहीं करी, यानी कि उस लेजर से ना तो हमने कोई परचेज किया, ना कोई सेल करी, ना कोई पेमेंट करी, ना ही कोई रिसिप्ट हुई। या फिर इसी तरीके से हम कोई स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं जिसका अभी तक हमने कोई भी यूज नहीं किया, यानी कि अनयूज लेजर और अनयूज स्टॉक आइटम, उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं और सभी को वन टाइम सेलेक्ट करके अगर हम उन लेजर की जरूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो टीडीएल फाइल है ये काफ़ी हद तक अकाउंटेंट लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देती है। तो इस टीडीएल फाइल का नाम क्या है, किस तरीके से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सारी बातें आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके साथ में ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में टीडीएल फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं तो अनयूज्ड लेजर और अनयूज्ड जो स्टॉक आइटम है उसका ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम टेली के होम पेज पे यानी कि गेटवे ऑफ टेली पे रहते हुए डिस्प्ले पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद जैसे हम डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, एम्प्टी लेजर्स और एम्प्टी स्टॉक आइटम्स। तो दोस्तों, इस पर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी लेजर्स पर एंटर प्रेस करेंगे तो एम्प्टी लेजर्स, जितने भी एम्प्टी लेजर्स है यानी कि ये वो सारे लेजर्स हैं जो हमने टेली सॉफ्टवेयर में क्रिएट तो कर लिए लेकिन अभी तक उस लेजर में हमने किसी भी टाइप की एंट्री पास नहीं करी है। तो इस टाइप के जो एम्प्टी लेजर हैं वो सारे के सारे हमें वन टाइम यहाँ पर दिख शो कर देगा। और इसी तरीके से एम्प्टी स्टॉक आइटम, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वो स्टॉक आइटम है जो हमने क्रिएट तो कर रखी है लेकिन अभी तक न तो इस आइटमों को हमने परचेज किया है और न ही कोई सेल किया है और न ही इनका कोई किसी टाइप का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। तो इस टाइप की स्टॉक आइटम को हम देख सकते हैं। अगर हमें पता लग रहा है भी ये जो स्टॉक आइटम है, इस स्टॉक आइटम में से ये जो स्टॉक आइटम है ये हमारी अनयूज है तो हम इसको सिंगल को भी डिलीट कर सकते हैं और हमें लगता है भी ये जो चारों के चारों स्टॉक आइटम है ये हमारे किसी काम के नहीं है, यानी कि अनयूज स्टॉक आइटम है, इनको हमें वन टाइम सिंगल क्लिक के साथ डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए अगर आपको सिंगल डिलीट करना है तो उस स्टॉक आइटम पर आपको क्लिक करना होगा, जैसा कि हम एम्प्टी सेलेक्ट किया और जो हमारी ऑरेंज कलर की ये जो पट्टी है ये उस स्टॉक आइटम के ऊपर रहनी चाहिए और उसके बाद में हम एल्ट डी के साथ कमांड देंगे। तो जैसे हम कमांड देंगे तो ये हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो यस, अदरवाइज नो कर सकते हो, या आप इन सभी को चारों को वन टाइम डिलीट करना चाहते हो तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ स्पेस बार का यूज़ करेंगे। जैसे हम स्पेस बार का यूज़ करेंगे तो ये चारों की चारी स्टॉक आइटम है एक साथ है सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद हम एल्ट डी का फिर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा डिलीट सिलेक्टेड, यानी कि सभी सिलेक्टेड आपने डिलीट करनी है या नहीं करनी। और इसी तरीके से लेजर पर हम एम्प्टी लेजर्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारे लेजर आ जाएंगे, यानी कि ये वो लेजर है जिसमें अभी तक हमने कोई भी एंट्रियाँ पास नहीं करी है। तो सेम वही तरीका, अगर आप एक एक को डिलीट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस लेजर को सिलेक्ट करो और एल्ट डी बटन प्रेस करो। वन टाइम सभी को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार का बटन हमें यूज करना है तो ये सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उनको हम एल्ट डी के साथ डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी हद तक अकाउंटेंट लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हमारे बिजनेस में लेजर होते हैं जो हमने क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है यार इस लेजर हमने गलत क्रिएट कर लिया। अगर हम एक एक लेजर को जाके देखेंगे कौन से लेजर में कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है या वो लेजर एम्प्टी है तो हमें एक एक लेजर को देखना पड़ता है और उसके बाद में हमें डिलीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके जितने भी एम्प्टी लेजर्स हैं वो सारे के सारे शो कर देगा। अब हम बात करते हैं भी ये जो ऑप्शन है ये हमें टेली सॉफ्टवेयर में एक्टिवेट किस तरीके से होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम टीडीएल फाइल को हम यूज़ करते हैं और उस टीडीएल फाइल का जो नाम है वो आपको हेल्प बटन पे प्रेस करना है और उसके बाद में
TDL एंड एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके लिए ये जो TDL फाइल है, डिलीट अनयूज लेजर एंड स्टॉक आइटम 2.0, इसको फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो अब आपको डाउनलोड किस तरीके से करना है, तो इसके लिए आप हेल्प पे बटन पे जाओगे, टेलीशॉप पर आपको क्लिक करोगे। तो जैसे हम टेलीशॉप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये टेलीसोल्यूशन की जो टेलीशॉप की ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हो, डिलीट अनयूज्ड लेजर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और फाइंड करेंगे तो आपके सामने ये वी डिलीट अनयूज्ड लेजर एंड स्टॉक आइटम 2.0 का जो TDL आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन है, अगर आप एजुकेशनल मोड यूज़ करते हो तो ट्राई इन एजुकेशनल मोड पर आपको क्लिक करना होगा, अगर आप लाइसेंस मोड के साथ क्लिक करना है तो आपको ट्राई इन लाइसेंस मोड पर क्लिक करना होगा। अगर आप इसको परचेज करोगे तो आपको 283 की पेमेंट है जो करनी पड़ेगी, अगर आप सिल्वर वर्जन यूज़ करते हो। अगर आप टेली प्राइम का गोल्ड वर्जन यूज़ करते हो तो उस दौरान आपको 850 यानी कि 850 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद में हम टेली सॉफ्टवेयर में इसको इंस्टॉल कर लेंगे, और जैसे हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे सामने ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएंगे और उसके बाद में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये TDL फाइल इंपॉर्टेंट लगी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका यूज़ आप कितने तरीके को ऑलरेडी अगर आप कर रहे हो तो आपने इसका यूज़ किस तरीके से किया है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।